न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीहोर से मिल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सीहोर से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ग्रेस रिसोर्ट घेरने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। सड़क पर बैठकर भजन कर रहे थे कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीहोर से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रेस रिसोर्ट जा रहे थे ये तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। वही रोड पर बैठकर ये भजन करने लगे। आरोप वाली बात नहीं है, बीजेपी के विधायक हमारे यहाँ मेहमान है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि सीहोर में पूरे मध्य प्रदेश से चुने हुए बीजेपी के विधायक आके रुके हुए। हमारा उनसे निवेदन ये है कि हम उनके सम्मान में गांधीवादी तरीके से उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे फूल लेके जा रहे हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत बिको, मत खरीदो। अब जब मसाज करने वाली लड़कियां वहां बचा सकती है रिसोर्ट के अंदर, कल 25 लड़कियां मसाज करने के लिए भोपाल से आई जिनके पास स्पा के बैग थे, स्पा लिखा हुआ था, वो जा सकती है तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते। हम चुन्नी वासा भी कचौड़ी लेकर आए, उनको खिलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ ये अनुराग हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस रिसोर्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता रुके हुए हैं वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि होटल ग्रेस है जिसपे 106 विधायक बीजेपी के रुके हैं, उससे 5 किलोमीटर दूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया और पुलिस ने उनको समझाइश दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वहां पर जो विधायक है उनके लिए 25 लड़कियां भोपाल से बिस्पा के लिए बुलाई गई और मसाज के लिए बुलाई गई। हम गांधीवादी से चलेंगे, नहीं नाथूराम गोड़ की तरह से चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग।